नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। करनाल में हल्का एंड्री के गांव फाजलपुर में बागवानी विभाग के HDO डॉक्टर गुरुदेव के नेतृत्व में एक जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें काफी संख्या में गांव और आसपास के किसानों ने भाग लिया। सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए डॉक्टर गुरुदेव ने बताया कि क्षेत्र में बागवानी से संबंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं को लागू करने के लिए एवं किसान को जागरूक करने के लिए हल्का एंड्री में लगभग 60 के करीब कैंप लगाए जा चुके हैं और हमारा ये मिशन 18 जुलाई तक चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जा रही है, जो कि लगभग अलग अलग योजनाओं के मुताबिक 80% तक है। किसान इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए बागवानी के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी को बढ़ावा देने के लिए अलग से सब्सिडी का प्रावधान है, फलों का बाग लगाने के लिए सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान अपनी मर्जी से बाग लगा सकता है। बागवानी विभाग के अधिकारी किसानों के सहयोग के लिए हर समय तैयार हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी किसान मिल सकता है। इसके अतिरिक्त विभाग की साइट पर भी सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि काफी समय से किसानों को जागरूक करने के लिए हल्का एंट्री के अलग अलग गांव में 60 से अधिक जागरूकता कैंप लगाए जा चुके हैं। इन कैंपों से जागरूक होकर काफी किसानों ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य भी किया है। हमारी सभी किसानों से अपील है कि क्षेत्र के विस्तार के लिए बागवानी विभाग किसानों के साथ खड़ा है। इंद्री से हमारे संवाददाता जसविंदर शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आज कैंप लगाया गया है गांव फाजिलपुर में, क्या कैंप था और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? पहले तो सर देखो, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। बागवानी विभाग की तरफ से गाँव जाकर भी कैंप लगाए जा रहे हैं। लगभग हमने 62-63 गाँव कवर कर लिए हैं और आगे हमारा प्रोग्राम है पूरे इंद्री ब्लॉक में जितने भी गांव हैं सभी को कवर करने का उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य रखा गया है और हम चल रहे हैं जी। इसमें जो प्रोग्राम के तहत विभाग का उद्देश्य है जी, वो है क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों और बाग में, जैसे बाग वाले जो काश्तकार हैं, क्षेत्र है, एरिया है, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आए, तो इस उद्देश्य से ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि किसानों को विभाग से जो योजनाएं हैं, स्कीमें हैं, सब्सिडी वगैरह की, उस चीज़ का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा पोर्टल है जी, portnet.gov.in पे, वहाँ पे जाके क्या क्या प्रोसेस है, किस हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में किसानों को बताया जाता है जी कैंप में। और जो हमारे विभाग के सेंटर हैं, जैसे हमारा लाडवा सेंटर है, कल से हमारा मैंगो मेला शुरू हो जाएगा जी वहाँ पे। 7 तारीख से पिंजौर गार्डन में मैंगो मेला है, वहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम है, दोनों जगह 3-3 दिन का प्रोग्राम है जी, तो उसके बारे में भी बताया गया है। लाडवा सेंटर पे हमारे जो पौधे उपलब्ध हैं उनके बारे में बताया गया जी। भुन्ना नर्सरी पे है अमरूद का सेंटर, उस पर भी पौधे उपलब्ध हैं। मांग्याणा में है, ऐसे ही हमारा जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं जी, उच्चाणी सेंटर पे गुरुंडा वेजिटेबल का सेंटर है जी, तो इन सेंटर की सेवाएं हैं उनके बारे में बताया जाता है जी। और अन्य जो विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनसे कोई भी आप कांटेक्ट करना चाहें तो उन चीज़ों की रिटर्न में डॉक्यूमेंटेशन ब्राउचर भी किसानों को दिए जाते हैं। सब्जियों को लेकर के या फिर बागवानी को बढ़ावा देने को लेकर के इस तरीके की स्कीमें अपनाई जा रही है सरकार द्वारा? इसमें सर जैसे नई नई टेक्निक्स आई हैं, जैसे सब्जियों में बांस के सहारे जैसे जाल चढ़ा के खेती करते हैं जी, लो टनल का, मल्चिंग सीट का, फुहारा सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन का यूज करके सर किसान इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। इन टेक्निक्स का यूज करके पैदावार अच्छी होती है, पौधे की आयु एज लंबी होती है, जल्दी अच्छा फलन आता है, तो आमदनी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है जी, पैदावार बढ़ जाती है इन टेक्निक्स का। तो इन टेक्निक्स पे जो किसान खेती कर रहे हैं उन पे विभाग सब्सिडी देता है जी, जैसे सब्जियों के लिए 15,000 रुपये देता है, और जो टेक्निक्स पे जो खर्चा आता है अलग अलग मद के अनुसार, जैसे बांस पे 31,000 हो गया, मल्चिंग सीट पे 6,400 रुपये हो गया जी, इसी हिसाब से अलग अलग मद पे जी अलग अलग विभाग हैं। उन चीज़ों के बारे में ऑनलाइन जाके भी आप चेक कर सकते हैं और हमसे जुड़ के भी चेक कर सकते हैं जी। बाग के लिए है जैसे 1 किलो पे 50,000 रुपये,
विभाग सब्सिडी देता है, किसान अपनी इच्छा अनुसार कोई विभाग लगा सकता है। ये है जी हमारी तरफ से जो मेन मेन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो कोई भी विभाग की तरफ से स्कीम आएगी तो उसके लिए कहाँ पर आकर के विभाग के में मिल सकते हैं? हमारा विभाग का इंद्री ऑफिस है जी, पुरानी बीडी ऑफिस की बिल्डिंग में है, पुरानी बिल्डिंग में। एग्रीकल्चर का हॉर्टिकल्चर का इकट्ठा ही है यहाँ पे ऑफिस, यहाँ आके हमसे कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, और जो जानकारी है उनको प्राप्त कर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।